हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या होगा आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को जानते हैं। तो आखिरकार दोस्तों 2 से 3 महीने के बाद फिर से जो कोरोना के केसेस है ना, भारत में कम होने शुरू हो चुके हैं। उसी के साथ ही अनलॉक का जो सिस्टम है या प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है पूरे भारत में। तो क्या अनलॉक का कोई इफेक्ट बैंकिंग फील्ड के ऊपर आया है या फिर नहीं? क्या बैंकिंग फील्ड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ रिवाइज किया है या फिर नहीं? तो आप देख सकते हैं, आज मैंने जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ओपन की हुई। सो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि आज की जो वीडियो होगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ही होगी, और जो टॉपिक होगा वो होगा जी इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आज की तारीख में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज की तारीख में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर मान के चलिए आप 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है। तो जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों हमें एक मेन्यू दिखाई देता है इंटरेस्ट रेट्स एंड सर्विस चार्जेस। मेन्यू में से इस ऑप्शन के ऊपर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, हमारे सामने एक नया वेब पेज जो है वो खुल के आ गया। So, जैसे मैं फिर से नीचे आता हूं हमें दो ऑप्शंस मिलती हैं, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड फीस। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस पे क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस पे क्लिक किया तो फिर से जो हमारे सामने एक नया वेब पेज आ गया, जैसे मैं नीचे आऊंगा इंटरेस्ट रेट दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है जी, देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं ना वो हुए हैं जी 16/11/2020, यानी 16 नवंबर 2020। सो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा उन गिने चुने बैंकों में से एक है जिन्होंने अभी तक 2021 में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किए। सो दोस्तों अगर आपको फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो टेबल आपके सामने है, आप सबसे पहले टेबल को ही देखिए। मान लीजिए 7 से 14 दिन, 15 से 45 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 2.80% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से 46 से 90 दिन, 91 से 180 दिन के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3.70%। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि है 1 साल की। तो देखिए दोस्तों 1 साल के ऊपर, 1 ईयर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी, 4.90%। बाकी दोस्तों टेबल आपके सामने है, आप अपनी तय सीमा के हिसाब से सबसे पहले टेबल को ही देख लीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं टेबल आपने देख लिया होगा। अब कई जो व्यूअर्स है ना वो मुझसे यही पूछेंगे कि सीनियर सिटीजंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए दोस्तों सीनियर सिटीजंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख सकते हैं, देखिए सीनियर सिटीजन फॉर लेस देन 2 करोड़ एज अंडर 0.50% फॉर द ऑल टर्नर अप टू 5 इयर्स। सीनियर सिटीजन के ऊपर 0.50 तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, लेकिन वो मिलेगा अगर आप 5 साल से अधिक की जो फिक्स डिपॉजिट है वो करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने देख लिए, अब हम क्या करते हैं जल्दी से कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से एफडी कैलकुलेटर को पहले ओपन करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एफडी कैलकुलेटर आपके सामने है। मान लीजिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10 लाख, ठीक है जी। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 4.90 एक साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 10 लाख रुपए, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 49,908 रुपीज, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 10,49,908 रुपीज। उसी तरह से अब हम 15 लाख पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 लाख के ऊपर आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 74,862 रुपीज, और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15,74,862 रुपीज। तो उसी तरह से अब हम फिर 20 लाख के ऊपर भी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 लाख के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा जी, 99,816 रुपीज, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 20,99,816 रुपीज। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिवाइज आया है या फिर नहीं, और ये भी जान लिया कि आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं उनके हिसाब से अगर आप 10 से 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल के ऊपर आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी वीडियो में कुछ ना समझ आया हो या आप कुछ एडिशनल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। सो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही है दोस्तों जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।